सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेकी देवेंद्र में। तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था सभी में कि कैसे हम विंडो 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं पुराने पीसी पे, नए पीसी पे, नॉन कंपेटेबल पीसी पे, या कैसे हम डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं विंडो 10 को विंडो 11 में, वो भी बिना ISO के और एक ऐसे पीसी पे जो कि नॉन कंपेटेबल हो। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे कि अगर आपको लगता है कि आपकी विंडो 11 की जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं आ रही है, तो अगर आप उसे रिस्टोर करना चाहते हैं फिर से विंडो 10 में, या कह लो आपके अपने पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कैसे उसको रिस्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो काम है हमें 10 दिन के अंदर अंदर करना होता है। मीन्स जो रिस्टोरेशन का टाइम है वो 10 दिन का होता है। अगर 10 दिन से एक भी दिन ऊपर हो गया तो जो रिस्टोर पॉइंट्स होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। मीन्स जो ओल्ड विंडो के फोल्डर होते हैं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी जगह कंज्यूम कर रखी होती है, तो वो डिलीट हो जाते हैं। आप देख भी सकते हैं दिस पीसी में, अगर सी ड्राइव पे हम जाएं तो यहाँ पे एक विंडो ओल्ड नाम का फोल्डर बना हुआ है, जो कि काफ़ी बड़ा फोल्डर होता है अगर आप उसमें जाके देखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं प्रॉपर्टीज में दिखाऊं तो वो कितने GB का होगा, जितनी हमारी विंडो ने भी स्पेस कंज्यूम कर रखी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा फोल्डर है, तो विंडो ऑटोमेटिकली 10 दिन के बाद इसे डिलीट कर देती है। तो अब हमें क्या करना है, 10 दिन से पहले ही इसे रिस्टोर करना है अगर हम चाहते हैं कि हमें पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट मेन्यू पे गया सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में हम जाएंगे रिकवरी पे। तो यहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा विंडोज अपडेट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स हैं, और यहाँ से हमें जाना होगा एडवांस ऑप्शन में। सो हमारे पास बहुत सी ऑप्शन आ गई हैं, तो हमें कौन सी ऑप्शन पे जाना है, तो हमें जाना है यहाँ पे रिकवरी वाली ऑप्शन में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रिकवरी पे, और ऐसे ही यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं अगर आप ड्राइवर्स वगैरह अपडेट करना चाहते हैं या आप सेफ मोड में इसे स्टार्ट करना चाहते हैं। तो हमारा जो काम है हमने करनी है रिकवरी, तो हम जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से तीन ऑप्शन है रीसेट पीसी। रीसेट पीसी नहीं करना है, तो रीसेट पीसी का मतलब होता है कि विंडो 11 ही यहाँ पे रहेगी, बट इसमें से जो सभी आपकी पर्सनल फाइल्स या सॉफ्टवेयर्स होंगे एक्स्ट्रा वो डिलीट हो जाएंगे, यानी कि जैसे स्टॉक हम विंडोज 11 इंस्टॉल करते हैं वैसा हो जाएगा पीसी। एडवांस स्टार्टअप हम तभी यूज़ करते हैं जगह हम अगर हम चाहते हैं कि सेफ मोड में उसे स्टार्ट करें, या कोई ड्राइवर्स वगैरह है ऐसे जो कि डिजिटली साइन नहीं है वो टेस्ट करने हैं, और भी बहुत सी ऑप्शन होती हैं जो कि हम एडवांस स्टार्टअप में जाके कर सकते हैं, जैसे सिस्टम रिस्टोर का काम। मीन्स कुछ दिन पहले हमने जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल किए थे वहाँ तक पहुँचना, यानी कि सिस्टम को रिस्टोर करना पुरानी स्टेट में। तो हमारी जो ऑप्शन हमने चूज़ करनी है वो है गो बैक। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा गो बैक पे, और अब हमारे पास वो हमें रीज़न पूछ रहा है कि क्यों हम अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, मीन्स हम क्यों रिकवर करके विंडो 10 में वापस जाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा भी आ रहा है गो बैक टू विंडोज 10। तो हम यहाँ पे कोई भी रीज़न चूज़ कर सकते हैं, फॉर अनदर रीज़न, और यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट। सो वो कह रहा है कि आप पहले लेटेस्ट अपडेट चेक कर लो, चाहे अगर आप चाहते हैं कि आपकी शायद उससे प्रॉब्लम फिक्स हो जाए तो चेक फॉर अपडेट्स कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे हम करेंगे नो थैंक्स। बस इसके बाद आ गया हमारे पास ये वाली ऑप्शन कि अगर हमने एक बार नेक्स्ट कर दिया तो क्या होगा, कि पहले तो ये लिखा है कि हम पीसी को उतनी देर यूज़ नहीं कर सकते और हमें पीसी को टर्न ऑन रखना है, और कुछ ऐप्स हो सकता है हमें रीइंस्टॉल भी करनी पड़े, और कोई भी चेंजेस जो हमने किए थे जो कि विंडो 11 में आके हमने किए थे, कोई आके हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया था विंडो 11 में, वो भी अनइंस्टॉल हो जाएगा। और अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो अब यहाँ से मैं करूँगा नेक्स्ट, और यहाँ पे वो पूछ रहा है इफ यू यूज द पासवर्ड टू साइन इन टू विंडो 10 मेक श्योर यू नो इट। मीन्स अगर आपने पहले विंडो 10 पे कोई पासवर्ड लगाया था तो आपको वो पता होना चाहिए। यहाँ से हम फिर से करेंगे नेक्स्ट, एंड यहाँ पे हम करेंगे गो बैक टू विंडोज 10। और जैसे ही मैंने गो बैक टू विंडोज 10 किया, हमारा पीसी जो है अभी रिस्टार्ट हो रहा है। तो पीसी अभी रिस्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे अभी देखते हैं रिस्टोरेशन जो है अभी शुरू हो जाएगी।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन आ गई है रिस्टोरिंग फॉर योर प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज, मीन्स अभी विंडो 10 को वो रिस्टोर कर रहा है, मीन्स विंडो 11 अभी यहाँ से डिलीट हो जाएगी और विंडो 10 जो है फिर से हमारे पास वापस आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि विंडो जो है अभी रिस्टोर हो चुकी है, मीन्स हार्डली इसमें 10 मिनट भी नहीं लगे, 5-7 मिनट लगे होंगे, तो हमारी विंडो इसमें रिस्टोर हो गई है। तो आप देख सकते हैं वही फाइल्स है, वही यहाँ पे जो पहला पिछली वीडियो में यहाँ पे बैकग्राउंड था वही आ गया है हमारे पास। तो इस तरीके से हम बिना अपना डेटा खराब किए भी क्या कर सकते हैं, विंडो को रिस्टोर कर सकते हैं, पर वो एप्लीकेशंस वापस नहीं आएंगी जो आपने विंडो 11 में इंस्टॉल की थी, क्योंकि वो विंडो 11 के साथ ही अनइंस्टॉल हो जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आप भी क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने विंडो को रिस्टोर करना है तो आप टाइम रहते 10 दिन के अंदर अंदर उसे रिस्टोर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो लिए इतना ही, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।